क्या आप अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल पाना चाहते हो? क्या आप इंटेंशनली जीना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि जिंदगी आपके हिसाब से चले, ना कि आप जिंदगी के हिसाब से चलो? दो तरीके के रिजल्ट्स होते हैं। एक होता है कि सोचा और काम करा, मिल गया। दूसरा होता है तुक्के से मिल गया। क्या आप तुक्के से कामयाब होना चाहते हो या अपनी इच्छा से कामयाब होना चाहते हो? तुक्के से करोड़ों कमा लोगे, खुश नहीं रहोगे, लेकिन अपनी इच्छा से अगर लाखों भी कमाओगे तो भी आप खुश रहोगे। दो तरीके होते हैं जीने के, एक होता है इंटेंशनली और एक होता है अनइंटेंशनली। इंटेंशनली का मतलब होता है कि आपका इंटेंशन है ये करने का, ये जीने का, ये पाने का। आप एक्शन लेते हो, आपको रिजल्ट्स मिलते हैं जैसा आप सोचते हो। इसको बाय डिजाइन कहते हैं, इसको डिसाइडेड लाइफ कहते हैं, आपने डिसाइड करी है। अनइंटेंशनली का मतलब होता है कि बिना होश आप चल रहे होते हो। रात को अगर आपसे पूछा जाए कि आपने पूरा दिन जैसा बिताया है क्या आपने वो डिसाइड करा था, आपका जवाब होता है नो। इंटेंशनली बाय डिजाइन डिसाइडेड तरीके से जीने का। एक बार आप 90 दिन का चैलेंज ले लो, उसके बाद जिंदगी भर की आपकी आदत लग जाएगी। जो डिसाइड करोगे वो होगा। मॉडर्न दुनिया का आदमी पहले वाली विल पावर रखता नहीं है, डिसीजन लेने की ताकत नहीं है। शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागता है, चीप डोपामिन के पीछे भागता है, यानी कि सस्ते मजे के पीछे भागता है, जिसकी लॉन्ग टर्म में एक कॉस्ट होती है। मुझसे अगर कोई पूछता है कि यूट्यूब का सीक्रेट क्या है, तो मैं कहता हूँ कि यूट्यूब हो या दुनिया का कोई भी काम हो, यही सीक्रेट सैकड़ों साल पहले भी हर काम में काम करते थे, आज भी करते हैं और हमेशा तक यही काम करेगा। कि किसी भी काम में, किसी भी धंधे में आपकी फाइट उसको सीखने में नहीं होती है, आपकी फाइट उस धंधे में जो लोग है ना उनसे नहीं होती है, आपकी फाइट होती है डिस्ट्रैक्शन से, फोकस से, काम को डीप फोकस के साथ करने से, आपकी हेल्थ से, आपकी रूटीन से। अगर आप इंस्टाग्राम पर 3 महीने रोज की एक रील पोस्ट करते हो, 90 रील्स के बाद में मुबारक हो, आपके फॉलोवर्स बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप यूट्यूब पर वीक की 2 वीडियोस पोस्ट करते हो, जैसा मैंने YouTube का संपूर्ण ज्ञान में बताया उसी तरीके से, और 3 महीने तक आप अच्छी क्वालिटी की वीडियोस देते हो, मुबारक हो, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अगर आप धड़ाधड़ Amazon पर बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लिस्ट करते जाते हो, एक टाइम के बाद में आपकी सेल्स आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप हर दूसरे दिन एक आर्टिकल लिख करके पोस्ट करते हो अपने ब्लॉग पर, आफ्टर 5 to 6 months आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल सर्च इंजन में आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप रोज 5 इन्फ्लुएंसर्स, 5 इंस्टाग्रामर्स, यूट्यूबर्स को मैसेज करो कि उनके लिए आप क्या काम कर सकते हो, महीने के 150, 2 महीने के 300 कोल्ड मैसेज करने के बाद में किसी एक के साथ में आपकी कहानी शुरू हो जाएगी। सारा खेल किसका है? काम आसान है, बैठना मुश्किल है, लिखना आसान है, पेन पेपर लेकर के बैठना मुश्किल है, जिम में एक्सरसाइज करना आसान है, जिम जाना मुश्किल है। तो इन सब की जो जड़ है क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपके अंदर से आवाज नहीं आ रही है। द वॉर ऑफ आर्ट बुक में लिखा गया है कि कैसे केवल रुकावट से लड़ना ही सब कुछ है। हिटलर के लिए तबाही मचाना फिर भी आसान था, पर डिस्ट्रैक्शन से लड़कर पेंटिंग करना उसके लिए भी मुश्किल था। हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, लेकिन वो कब तक कर लोगे? डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि मन मार के करना, मन मार के काम करने से, यानी कि डिसिप्लिन में रहना है, मुझे करना है। नंबर 1, ना तो काम अच्छा होगा, नंबर 2, ना आपका मन खुश होगा। मन तो अंदर से फटना चाहिए कि मुझे ये करना है। तो अंदर से मन कैसे हो, उसी का सीक्रेट ये वीडियो है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आपको खुद को 90 डेज में ट्रांसफॉर्म करना है तो एक चीज का सही होना बहुत जरूरी है, वो है आपकी हेल्थ। और हेल्थ में क्या मैटर करता है आपको पता ही है, स्लीप, डाइट एंड एक्सरसाइज। अगर आप जिम जाते हो और एक्सरसाइज करते हो तो साथ में आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके मसल्स बिल्डिंग प्रोसेस में काफी हेल्प करता है। सो इसके लिए मैं एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ जो एग्जैक्टली इसी चीज में आपकी हेल्प करती है। प्रोडक्ट है कपिवा का हिमालयन शिलाजीत रेजिन, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर्ड भी करा है। ये 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। शिलाजीत क्या करता है, ये स्ट्रेस कंट्रोल करता है, आपको रिलैक्स करता है, स्टेमिना भी बूस्ट करता है। तो आप जिम जाते हो तो आप थकते नहीं हो। शिलाजीत की खास यह है कि जितनी ऊंचाई से ली जाती है वो उतनी प्योर होती है। ये 18,000 फीट की ऊंचाई से सोर्स की जाती है। इसमें 85 तरह के मिनरल्स होते हैं। मार्केट में यही शिलाजीत है जो एक्सक्लूसिव NABL लैब टेस्ट के साथ में आती है। इफ यू आर मेल एंड इफ यू आर अबव 18, देन आई हाईली रिकमेंड यू टू कंज्यूम इट। इसे खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कूपन कोड एंटर करते हो COOL15 तो आपके 15% ऑफ हो जाएंगे। चलो आ जाओ वीडियो की तरफ। हर इंसान को अपने आप को गोल ओरिएंटेड बिल्डर समझना चाहिए। एक इंसान की परिभाषा यह होती है कि वो कुछ बिल्ड करने के लक्ष्य से जीता हो, कुछ बनाने के। इंसान को अपनी असली औकात तब पता लगती है जब उसको एक लक्ष्य मिल जाता है, तब तक वो अपनी शक्तियां बस वेस्ट कर रहा होता है। अगर आपको पता नहीं है कि आप कहां जा रहे हो, तो आप वही जाओगे जहां आपको नहीं जाना है। Have a goal. 2023 के एंड में आप अपने आप को कहां देखते हो वो एक बार लिख लो। उसके बाद में लिखो कि कैसे ये मैं केवल 90 दिन में अचीव कर सकता हूं, कैसे मैं ये 3 महीने में अचीव कर सकता हूं। ऐसा करने से आप 90% से भी ज्यादा लोगों से आगे बढ़ चुके हो। चांद को निशाना लगाओ, अगर चूक गया तो किसी एक तारे पर तो लग ही जाएगा। गोल बड़ा रखो। जब गोल बनाते हो तो आपका दिमाग जवाब देता है। आपको एक बार ही गोल बनाना है, दिमाग अपने आप काम करता है। एग्जांपल के लिए किसी का गोल है कि मुझे एंड्रॉइड ऐप डेवलपर बनना है। अब कैसे बनना है, कैसे सीखना है, वो आसान है। दुनिया में बहुत नॉलेज पड़ा है,
सर्च करोगे मिल जाएगा। नो गोल नो मोटिवेशन, एक बार गोल बनाओ तो सही। द वन थिंग बुक में बड़ी कमाल की बात लिखी हुई है कि कभी भी लक्ष्य कुछ पाने का मत बनाओ, जो पाना है उस पर नजर तो रखो लेकिन गोल पाने का नहीं होना चाहिए, गोल उस पाने में जो मेहनत करनी होती है उसको गोल बना दो। एग्जाम्पल, किसी को मेरिट में आना है तो गोल ये ना होकर के ये होना चाहिए कि मेरिट में आने के लिए क्या एफर्ट्स लगाने होते हैं, वो एफर्ट्स लगाना गोल बन जाना चाहिए। दो तरह के गोल्स होते हैं, फ्रंट एंड गोल एंड बैक एंड गोल। फ्रंट एंड गोल यानी क्या पाना है, आउटपुट पैसा रिजल्ट्स। बैक एंड गोल्स यानी एफर्ट्स, वो पाने में क्या करना होगा, कितना करना होगा, कितनी देर तक करना होगा। फ्रंट एंड गोल अचीव नहीं हो सकता अगर आप बैक एंड गोल नहीं बनाओगे। अब गोल सबके अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए कमाना हो सकता है, कमाई है तो बढ़ानी हो सकती है, टीम बनानी हो सकती है, वेट लूज जैसी कोई चीज, हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है, एनर्जेटिक होना हो सकता है, साइड हसल करना हो सकता है, काम ऑलरेडी चल रहा है लेकिन एक और काम करना है, किसी के लिए कुछ सीखना हो सकता है। जोश कॉफमैन कहते हैं कि आप केवल 20 घंटे में दुनिया की कोई भी स्किल सीख सकते हो। इन्होंने खुद ने 20 घंटे में यूकेलेले सीखा और प्रैक्टिकली बजाकर बताया भी अपनी स्पीच में। आज ही अपने गोल लिखो, 90 दिनों में आपको क्या पाना है, लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है लिख दो। क्या आपको चाहिए लिखने से उसके पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और कैसे पाना है वो लिखने से प्रोग्रेस बनी रहती है। फ्रंट एंड गोल मंजिल है तो बैक एंड गोल जर्नी है, दोनों इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन की कमी नहीं है, एनर्जी की कमी नहीं है, कमी है तो एनर्जी कहाँ दे, वक्त कहाँ दे, ध्यान कहाँ दे। आपको 90 दिन ये 3 महीने कहाँ देने हैं, कहाँ आपको घुस जाना है वो आप पता कैसे करें। पता है हम ऐसी मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं वो हमारा ओरिजिनल है ही नहीं। कई बार हमें क्या बनना है वो वास्तविक नहीं होता है। आप खुद के बारे में जब सोचते हो कि मैं कौन हूँ, क्या बनना है, वो आपका नहीं होता है, वो लोग आपके अंदर जो देखना चाहते हैं वो होता है। आप जो चाहते हो वो नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप वो चाहते हो जो लोग आपके अंदर देखना चाहते हैं। इसके लिए एक एक्सरसाइज करो, ये 3 सवाल करके आप अपने गोल की पहचान कर सकते हो कि ये मेरा है या नहीं है। 5 साल के बाद में या 10 साल के बाद में आप अपने आप को कहाँ देखते हो लिख लो। क्या आपको बनना है पाना है लिख लो। लिखने के बाद में ये 3 सवाल आप अपने आप से करो कि क्या सच में मुझे ये पाना है, क्या ये सच में मेरी अंदर की आवाज है, या फिर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग मेरे अंदर ये देखना चाहते हैं। 2 सवाल कि क्या सच में ये मैं बनना चाहता हूँ, या फिर मैं सच में ये खरीदना चाहता हूँ, या फिर टीवी एड या कहीं से देख करके मैं कन्विंस हो गया हूँ कि मेरे पास में शायद ये होना चाहिए, स्वैग के लिए, शो ऑफ के लिए, स्टेटस को बढ़ाने के लिए। 3 सवाल आपको करना है, क्या ये मैं पूरा पाना चाहता हूँ या केवल एक बार एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, क्या पूरा ओन करना चाहता हूँ या बस एक बार एक्सपीरियंस करना है। कई बार एक बार एक्सपीरियंस करने के चक्कर में पूरा पाने की मेहनत कर लेते हैं। ये 3 सवाल आपको अपने आप से करने हैं, आपको पता लग जाएगा कि जो आपका लक्ष्य है वो रियल है या नहीं है। आपको पता लगेगा कि आप झूठ में जी रहे थे। मैं नहीं चाहता कि आपको मैं मोटिवेट कर दूं, आप हो जाओ और 90 दिन का आप चैलेंज ले लो और किसी गलत लक्ष्य के लिए मेहनत करने बैठ जाओ। झूठी इच्छा, झूठा गोल, नकली गोल रखने के 2 नुकसान है। पहला, वो आपको मिलेगा नहीं कभी क्योंकि आप दिल से मेहनत नहीं करोगे, क्योंकि वो आपका गोल है नहीं। दूसरा, आपको वो मिल भी गया आप खुश नहीं रहोगे क्योंकि आपका मन नहीं कर रहा था, आपकी आत्मा नहीं चाहती थी वो पाना, आपकी वो अंदर की आवाज नहीं थी। तो 90 दिन कहाँ दे, कैसे पता लगाए, ये 3 महीने में कहाँ दे दूं कि मेरी लाइफ का यूटर्न बन जाए। इसके लिए आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखो, अपनी जीवनी लिखो। सबसे बेस्ट तरीका अपना ओरिजिनल लक्ष्य पता करने का है, आप अपनी जीवनी लिखनी स्टार्ट कर दो। 7 दिन तक आप अपने बारे में लिखो, आप किस में अच्छे हो, किससे मिले हो, क्या सीखा है, आपके दोस्त, आपका नेचर, आपकी स्किल्स, कहाँ सीखी, कब सीखी, क्यों सीखी, आपकी स्कूलिंग, आपकी कॉलेज, सारे आपके जितने पल है वो सारे लिख लो। क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या बनना है, क्या है, क्या सच में सपना है या फिर ऐसा ही सपना था। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस सब कुछ लिख दो। फिर एक मूवी की तरह इसको जियो, इसको इमेजिन करो। इस ऑटोबायोग्राफी को लिखने के बाद में जो आपका लक्ष्य बनेगा कि अब मुझे कहां लग जाना है, वो एकदम रियल होगा, वो आपका होगा, क्योंकि आप ले भी रहे हो रियल कहानी से, अपनी रियल कहानी से, ना कि बाहर की दुनिया आपको कैसा देखना चाहती है उस तारीफ की भूख में। इट्स लाइक अकाउंटेंसी, कंपनी को आगे कितना प्रॉफिट करना है उससे पहले वो अकाउंटेंसी करती है। हमारा बिजनेस कहां से कितना होता है, आप अपनी जीवनी लिखते हुए अपनी अकाउंटेंसी कर रहे होते हो। एक फिलोसोफर एरिस्टोटल कहते हैं कि नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। विजडम की शुरुआत, यह कह सकते हैं कि बुद्धि के विकास की शुरुआत होती है खुद को जानने से। इससे क्लैरिटी मिलती है। क्या आप चाहते हो कि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि करना क्या है, तो आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखनी शुरू कर दो। बिना पर्पस, बिना मकसद करोड़ कमा लोगे तब भी दुखी रहोगे, क्योंकि आपकी आत्मा क्या चाहती है उसके लिए आपने कभी काम नहीं करा। एडम लिप्जिक अपने टेटॉक स्पीच में बताते हैं कि ये काफी सालों के बाद में फिर से अपने कॉलेज फ्रेंड से मिले तो इन्होंने पाया कि काफी लोग इतने कामयाब हो गए, इतना धन कमा लिया, फिर भी दुखी है, खुश नहीं है। और इन्होंने ये भी देखा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कम कमाया, कम पाया, लेकिन तब भी वो खुश थे। तो इनको वजह मिली कि इनका पर्पस बड़ा क्लियर था। इनको पता था कि मैं कौन हूं, इनको पता था कि मैं क्या करता हूं, इनको पता था कि मैं किन के लिए करता हूं, इनको पता था कि मैं जिनके लिए करता हूं उनकी जरूरतें क्या है, इनको पता था कि मैं इनकी जरूरतें अपने काम से पूरी कैसे कर सकता हूं। ये 5 चीजें इनको पता थी। ये 5 सवाल जब आप अपने आप से करोगे, आपको 5 मिनट में अपनी लाइफ का पर्पस
पता लग जाएगा। अब तक हमने समझा कि 90 डेज में लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है तो पहले तो श्योरिटी होनी चाहिए कि ये जो 90 दिन दिए जा रहे हैं वो सही जगह दिए जा रहे हैं कि नहीं है, मेहनत सही जगह हो रही है नहीं हो रही है, लक्ष्य सही है या नहीं है। लक्ष्य सही ना मिलने की ही वजह से हम किसी काम को बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि वो आपका लक्ष्य था ही नहीं। अब बात करते हैं इंटरनल मोनोलॉग की। जब आप 90 दिन में अपने आप को पूरा बदलना चाहते हो, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो यह शैतान आपको रोकेगा। ये इतना चालाक है, ये आपको हर बार वैलिड कारण के साथ में, लॉजिक्स के साथ में बेवकूफ बना देगा। सुबह उठते वक्त ये शैतान आपको समझा देगा कि अभी तूने केवल 4 घंटे की नींद करी है, साइंस कहती है कि 8 घंटे की चाहिए, आप सो जाओगे। फास्ट फूड खाते वक्त आपको ये समझा देगा कभी कभी बाहर का खाना चाहिए, बॉडी को उसकी भी तो आदत होनी चाहिए, चीट मील। सोशल मीडिया के वक्त में आपको ये कन्विंस कर देगा कि आपको दुनिया की नॉलेज भी तो होनी चाहिए, इससे नॉलेज गेन होती है। ये आपके अंदर का शैतान जो है ना 90 दिन का चैलेंज तोड़ के ही मानेगा, इसका इलाज आप पहले ही कर दो। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कि इस शैतानी दिमाग की जगह ही आप ले लो। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि इमेजिन करो आप अपना ध्यान ऐसे रखो जैसे आप किसी और का ध्यान रखते हो, खुद को ही कोई और इंसान मानो, ये आपका दोस्त है और इसकी लाइफ बदलनी है। क्योंकि आप खुद के लिए कोच बन जाओगे, अब आप अपने लिए कोई और हो, अब ये आवाज जो आपका लॉजिक्स के साथ में बेवकूफ बनाती है ये नहीं कर पाएगी। आप किसी और को मोटिवेट कर देते हो लेकिन खुद के लिए मुश्किल होता है, इसलिए खुद के लिए ही कोई और बन जाओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, क्योंकि यही चीज आपको रोकेगी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। बिना ज्ञान, चाहे एनर्जी हो, वक्त हो, पैसा हो, कुछ नहीं कर पाते। जहां भी जाना है, कुछ भी करना है, ज्ञान चाहिए। अपने अंदर एक क्वालिटी डेवलप करो, कुछ भी सीखना है फास्ट सीखना है, फास्ट अप्लाई करना है, सीखो अप्लाई करो, सीखो अप्लाई करो। अगर किसी काम में 36 बार फेल होने के बाद में कामयाबी मिलती है और वो 36 बार आप एक साल में होते हो फॉर एग्जाम्पल, तो क्यों ना वो 36 बार फेल 90 दिन में होकर के वहां पहुंच जाए जहां एक साल के बाद में पहुंचा जा रहा था। लर्न अप्लाई फेल एंड रिपीट। जो भी आप सीखते हो उसका एक सेकंड ब्रेन बना दो। एवरनोट, नोशन, जो भी नोट टेकिंग एप्लीकेशन है उसमें आप लिखते जाओ कि आपने सीखा क्या, क्योंकि मेमोरी से तो निकल जाता है लेकिन ऐप में आप सर्च करते हो तो सब कुछ आपको एक झटके मिल जाता है। कुछ भी सीख लेने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अब ये परेशानी आपको दोबारा नहीं आएगी, अब पहले से और वैल्यू आपकी बढ़ चुकी है। कुछ भी आप सीखते हो तो अपनी एक डेडलाइन सेट कर लो कि मुझे 1 घंटा रोज बैठना है 1 महीने तक ये सीखने के लिए, क्योंकि हम कुछ भी सीखने को इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं है। जन्म से कोई भी इंसान टैलेंटेड होता नहीं है, ये आप मानना छोड़ दो कि ये जन्म से होता है। कुछ भी आपको सीखना है आप सीख सकते हो। स्टडी कहती है कि टैलेंट का जीन से कोई मतलब नहीं है, इंसान कर्मों से बनता है। कई बार सीखना इतना मुश्किल नहीं होता है। हेनरी फोर्ड कहते हैं कि अगर आप ये सोचते हो कि मैं ये कर सकता हूं तो आप कर लोगे, और अगर आप ये सोचते हो कि मैं ये नहीं कर सकता तो आप नहीं कर पाओगे। दोनों ही जगह आप सही हो। 90 दिन ट्रांसफॉर्म करनी है जिंदगी, कैसे करोगे? सीखना ही पड़ेगा चीजें। कोई भी काम स्टार्ट करो, किसी में भी घुसोगे, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, वरना आप टिक नहीं पाओगे। देखो 5 प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ भी सीखने का। पहला है पार्टिसिपेशन। आप कुछ भी सीखते हो कितना पार्टिसिपेट करते हो। हमें देखो साइकिल चलाना, बाइक चलाना क्यों नहीं भूलते हैं? क्योंकि उसको करा गया है ना कि पढ़ा गया है। करना और पढ़ना दोनों में फर्क है। दूसरा प्रिंसिपल रिपीटेशन। आप जो सीखते हो उसको रिपीट करो बार बार। तीसरा रेलेवेंस। जो भी आप सीखते हो उसको जरूरत से कनेक्ट करो कि क्या मतलब है, क्यों सीख रहा हूं मैं ये। चौथा ट्रांसफरेंस, यानी कि जीवन में उसको उतारते जाओ जो भी सीख रहे हो। कुछ भी सीखो तो आप ये देखो कि और नया क्या कर सकता हूं। जब आपके मुंह से एक बार ये निकल जाता है कि मैं इसमें अब और क्या सीखूं, खत्म, आपकी लर्निंग यहीं पे रुक जाती है। 90 दिन में, 3 महीने में, 1 साल का ज्ञान आपको लेना है तो आप उनसे सीख लो जो उसमें टॉप पे है। उनके कोर्सेस, उनकी बुक्स, उनके आर्टिकल्स, उनके इंटरव्यूज कंज्यूम करो। डोंट रीइन्वेंट द व्हील। फिर से पहिया बनाने मत बैठो। जिसने पहिया बना लिया है उससे सीख लो, क्योंकि आप बनाने बैठोगे तो भी वो गोल ही होगा, आपको चौकोर नहीं बना दोगे। और कई बार आप ऐसी स्किल्स भी आप सीखने बैठ सकते हो जिसमें मल्टीपल स्किल्स सीखी जा सकती है। फॉर एग्जांपल, यूट्यूब पर वीडियो बनाकर अपलोड करने से आपकी ये स्किल्स साथ में पॉलिश हो जाती है। वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, रिकॉर्डिंग, म्यूजिक की समझ, रिसर्च स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्किंग, लोगों से मिलना, स्टेज पे बोलना, ये सारी चीजें बंडल में आप सीख लेते हो। कोई ऐसा काम पकड़ो इसमें मल्टीपल स्किल्स आप सीख सकते हो। दुनिया में इतना ज्ञान है। यूडेमी पर 2 लाख कोर्सेस है। स्किल शेयर पर 35,000 से ज्यादा कोर्सेस है। अब तक 115 मिलियन यानी 15 करोड़ से ज्यादा बुक्स लॉन्च हो चुकी है। 70 से 75 हजार ऑडियो बुक्स हर साल लॉन्च होती है। अब तक 50 लाख से ज्यादा पॉडकास्ट इंटरव्यूज आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, जिनके 70 मिलियन यानी कि 7 करोड़ एपिसोड्स हैं। ज्ञान का इतना भंडार है आपके सामने। विकिपीडिया पर 60 लाख पेजेस है इंग्लिश में, और हिंदी में 1.5 लाख पेजेस है ज्ञान से भरे हुए। टेड टॉक्स चैनल पर अब तक 1 लाख से ज्यादा स्पीच अपलोड हो चुकी है। हर स्पीच में एक इंसान अपने जीवन का पूरा ज्ञान देकर जाता है। खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, 90 डेज में जिंदगी बदलनी है, सारा ज्ञान आपके सामने पड़ा है, बस इरादा करना है। पृथ्वी
का ये सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है जिंदगी बदलने का। आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, इसी प्लेटफॉर्म पर एक मिनट में 1.5 लाख वीडियोस अपलोड होती है। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तब तक लाखों वीडियोस अपलोड हो चुकी है जिसमें काफी ज्ञान वाली होगी, ऑफ कोर्स बाकी वीडियोस भी होगी, और टोटल अब तक यूट्यूब पर 80 करोड़ वीडियोस है। आप जो सवाल पूछोगे, सीखना चाहोगे, वीडियो में आपको मिल जाएगा। पूछो तो सही कहां फोड़ना है। अब आ जाता है कि यार 90 दिन का चैलेंज लेने के बाद में क्या वो चीजें हैं जो आपको रोकेगी। दो चीजें आपको बहुत ज्यादा रोकेगी, एक तो है कंफर्ट जोन, दूसरा है बहुत बड़ा सोचने के चक्कर में काम नहीं करता। कंफर्ट जोन छोड़ने में पेन तो बहुत होता है, लेकिन आई प्रॉमिस मजा बहुत आएगा। एक कुत्ते को गिल चुभरी होती है तो इंसान पूछता है कि यार ये चुभरी है तो उठ क्यों नहीं रहा है, तो पास वाला इंसान कहता है कि अभी इतनी भी नहीं चुभरी है कि उठा जाए। कंफर्ट जोन साइलेंट किलर है, आपको ये अंदर से मारता है। एक मेंढक को बर्तन में डालकर पानी में गर्म करा जा रहा था। शुरू में वो कंफर्ट में होता है कि मैं कूद के बाहर चला जाऊंगा, पानी धीरे धीरे गर्म होता है, सोचता है कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन पानी इतना गर्म हो जाता है कि उसकी डेथ हो जाती है। जब अभी वक्त है तो खुद को बदल दो, बाद में वक्त आपको बदलेगा तो बहुत दिक्कत होती है। अभी अगर खुद बदल जाओगे तो बहुत सही है, वरना वक्त बदलेगा तो दिक्कत होगी। एक हाथी के बच्चे को चैन से बांधा गया, वो चैन तोड़ नहीं सकता, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है, अब वो तोड़ सकता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पा रहा है क्योंकि वो इरादा ही नहीं कर रहा है। बस आपको इरादा करना होगा। ऊंट का बच्चा माँ से पूछता है कि हमारे ये पैर और आंखों की पलके और कुबड़ ऐसे क्यों है। माँ कहती है कि ताकि हम रेगिस्तान में अच्छे से रह सके। बच्चा कहता है अगर हम रेगिस्तान के लिए बने तो यहाँ जू में क्या कर रहे हैं। आपको अपना कंफर्ट छोड़कर वहां जाना होगा जो आपकी जगह है। कंफर्ट जोन के अलावा आपको दूसरी चीज रोकेगी, वो है बहुत बड़ा सोचना, अभी जो काम है वो करना नहीं। आप दीवार बनाओ, मंजिल बनाओ, उसके बारे में सोचो, गोल बनाओ, लेकिन अभी आप ये सोचो अभी मैं एक परफेक्ट ईंट कैसे लगा सकता हूं, केवल उसके बारे में सोचो, क्योंकि एक एक ईंट से दीवार बनेगी। मैं यह मानता हूं कि आप सारे लोग ये चैलेंज ले रहे हो, कमेंट में आप चैलेंज लिख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, आप पर्सनली मुझे भी वो चैलेंज लिख करके भेज सकते हो। 90 दिनों के बाद में फिर से उस फॉर्म को भर के बताओ कि आपने अचीव करा या नहीं करा, या फिर कमेंट में भी आप कर सकते हो रिप्लाई करके कि आपने जो कमेंट करी थी उसका आपने कितना करा। चलो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। रिमाइंडर के लिए कपिवा प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसके शुरू में हमने बात करी थी। चैनल विजिट करके बाकी वीडियोस देख सकते हो, या फिर इसके अलावा आप ये दो वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको ये दो वीडियोस भी पसंद आएगी जो आपके स्क्रीन पर अभी दिख रही है, क्लिक करके आप देख सकते हो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुलमित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।